आज हम आपको कुछ ऐसी मशीन्स और गैजेट्स दिखाएंगे जो इंसान के बहुत ही मुश्किल वक्त में काम आएंगे। जब किसी व्यक्ति के ऊपर जान का खतरा मंडराए या फिर किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थिति हो, तो ऐसे वक्त में अब काम आएगी आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो पूरी देखना ताकि आपकी नॉलेज भरपूर बढ़ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। सी आर्च। कई ऐसे कारण होते हैं जब इंसान बीच समुद्र में फंस जाता है और वे तैरना भी जानता हो तो उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए किसी अन्य सहायता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विशाल समुद्र को तैर कर सुरक्षित जगह पर पहुंच पाना असंभव काम होता है। तो ऐसे में समुद्र पर बड़े जहाजों पर काम करने वाले लोग आज के समय में इस खास बेल्ट को पहनते हैं, जिसके बाद जब भी वे किसी कारणवश समुद्र में गिर जाते हैं तो वे उस बेल्ट को खोल देते हैं, जिसके बाद एक तिकोने आकार वाली ट्यूब खुल जाती है और इसके अंदर हवा होने के कारण वे इंसान को पानी के अंदर डूबने नहीं देती है। ये नहीं, इस ट्यूब के चटकीले रंग होने के कारण आसपास नाव बोट ना होने के कारण भी लोग इसे देख लेते हैं दूर से ही और उस शख्स की जान बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। इस ट्यूब के तिकोने और ऊपर से उठे होने के कारण लोगों को इसे और इसके साथ बंधे इंसान को खींचकर बोट पर लाना भी काफी आसान काम हो जाता है और इस मामूली से दिखने वाले टूल की वजह से एक इंसान की जान बच जाती है। सर्वाइवल कैप्सूल। दोस्तों, जब सुनामी आती है तो हर जगह पानी ही पानी होता है। ऐसे में उस पानी से किस प्रकार बचाव किया जाए, ये एक कड़ी चुनौती बन चुकी थी आम इंसान के लिए। अब ऐसे में वैज्ञानिकों ने इस कड़ी चुनौती का हल निकाला ये सर्वाइवल कैप्सूल्स के रूप में। यहाँ इस बोल की गुणवत्ता की जांच के लिए इसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अंदर इंसान रूपी पुतले को रखने के बाद एक विशाल चट्टान के ऊपर से झरने के साथ गिराया गया, जिसके काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। सुनामी से बचाव के लिए आज के समय में सुनामी संभावित देशों में इन खास बोट्स को लोग अपनी घरों की छतों पर रख रहे हैं, ताकि जब समुद्र का पानी पूरे शहर में फैल जाए और हर जगह पानी ही पानी हो जाए तो उस घड़ी में ये लोग अपनी छतों पर जाकर इन बोट्स में बैठ जाए और पानी के वहाँ पर पहुँचने पर ये बोट्स तैरने लगेंगे और लोग अपनी जान बचा सकेंगे। इस प्रकार के बोट्स के अंदर आप अपनी जरूरत का सामान भी रख सकेंगे, जिससे आप 15 से 20 दिन आराम से इस बोट्स के अंदर उस मुश्किल घड़ी में अपने प्राण यानी कि जान बचा सकते हैं। सोरिया HSE प्राइवेट लिमिटेड। किसी भी बिल्डिंग में जब आग जैसी लगने की घटनाएं होती हैं, तो इंसान के लिए उस इमारत से निकलना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि उस बिल्डिंग की खिड़की ही ऐसी जगह होती है जहां इंसान का दम नहीं घुटता और उसे वहीं से बिल्डिंग से बाहर निकलने का विचार भी आता है। तो इस कंपनी के द्वारा इस खास तकनीक का आविष्कार किया गया है, जिसे खिड़की वाली जगह पर ही लगाया जाता है और जिसके बाद एक एक करके लोगों को इसके साथ लगे गोल कपड़े वाले पाइप के साथ गुजारा जाता है। हालांकि इसके अंदर से गुजरते समय लोगों को इसके अंदर पट्टी को पकड़ना होता है ताकि वे धीरे धीरे नीचे जा सकें। आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसे नीचे जा रहा है, वाकई बहुत ही काम की चीज है और इस प्रकार उस संकट की घड़ी में लोगों की जान बचा ली जाती है। मैकैफ्री वर्ल्ड। पहाड़ी इलाकों में रोड का निर्माण जितना अधिक कठिन होता है, उतना ही अधिक कठिन हो जाता है उन रोड का रखरखाव करना, क्योंकि इन रोड पर निरंतर ऊपरी चट्टानों से छोटे बड़े हर प्रकार के पत्थर गिरते रहते हैं, जिसके कारण रोड पर चल रहे वाहन क्षतिग्रस्त होते ही हैं, साथ ही साथ बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आज के समय में इस कंपनी के द्वारा ये खास नेट तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद जब भी कोई पत्थर ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे आता है तो वे सीधा नेट के ऊपर गिरता है, जिससे वे नीचे नहीं गिर पाता है और लोग सुरक्षित आराम से अपना सफर तय कर सकेंगे। डिफेंडर रिंग। डिफेंडर रिंग एक खास तरह की रिंग है जिसके अंदर एक शार्प पिन छिपी हुई है। इस रिंग को किसी भी नॉर्मल रिंग की तरह ही पहना जाता है, लेकिन खतरा आने पर इस रिंग के टॉप पार्ट को घुमाकर निकाला जा सकता है। डेंजर सिचुएशन में बचाने के लिए यह रिंग बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। इसके अंदर मौजूद पिन जब एनिमी को लगती है तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो दर्द के मारे गिर जाता है। इस रिंग के टॉप पार्ट को कस्टमाइज भी करवाया जा सकता है और इसका मेटल भी चूज किया जा सकता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लैटिनम।
लाइफ कार्ड। ये लाइफ कार्ड कुछ और नहीं बल्कि एक क्रेडिट कार्ड के जैसा दिखने वाला एक गन है, जिसको आप अपनी पॉकेट में बहुत इजीली फिट कर सकते हैं और इसमें 22 कैलिबर की कार्टेज डाली जाती है। एक बुलेट इस गन में लगाई जा सकती है और आपको 3 बुलेट तक स्टोर रखने की फैसिलिटी मिलती है। इस गन का प्राइस 22,000 रुपए है। टाइगर डांस। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा होती है जिसके कारण विकासशील देश ही नहीं बल्कि हर साल कई देश कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सके उसके लिए आज के समय में कई देशों में लोग इस जुगाड़ रूपी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तिरपाल रूपी कपड़े से तैयार ये पाइप, जिसे अपने घर या बिल्डिंग के चारों साइड लगा दिया जाता है, जिसके बाद इसके अंदर पानी को भर दिया जाता है और फिर ये फूल जाती है और एक दीवार के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें एक के ऊपर एक करके भी रखा जा सकता है ताकि बाढ़ का पानी अधिक मात्रा में आने के वक्त ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान हो सके। अगर किसी भी रूप में पानी से होने वाले नुकसान से बचाव करती है तो इसे इस्तेमाल करना लोगों के लिए काफी सहायक हो सकता है। लाइफ लिफ्ट सिस्टम्स। इस कमाल के पेड की जितनी अधिक तारीफ की जाए उतना कम है। अक्सर कई लोग भूकंप और विनाशकारी तूफान के आने पर अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए आज के समय में कुछ इस प्रकार के बंकर रूपी बेड को अपने घर में लगवा रहे हैं। ये बेड अपने साधारण रूप में आम बेड की तरह दिखता है, लेकिन जब इसे खोला जाता है तो ये एक अच्छे खासे बंकर के रूप में बदल जाता है। इसके बाद इसके अंदर 4 से 5 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्यतः विनाशकारी तूफान से बचाव के लिए किया जा रहा है, क्योंकि तूफान धीरे धीरे आक्रमण करता है, जिसके कारण इस बेड को बंकर में बदलने का प्रयास आराम से हो जाता है। भविष्य में इसके निर्माता इस भूकंप से बचाव के लिए इसके आकार के बदलने की गति को तेज करते जा रहे हैं। इस बेड की सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि हल्का सा भूकंप का झटका महसूस होने पर ही ये बेड बंकर रूपी आकार में बदल जाता है और उस संकट की घड़ी में लोग अपने प्राण बचा लेते हैं, यानी कि उनकी जान बच जाती है। पेन नाइफ। पहली बार देखने में ये पेन आपको नॉर्मल पेन के जैसा ही दिखेगा और इसको एक नॉर्मल पेन की तरह ही यूज करा जा सकता है, लेकिन इसको खोलने पर ये एक 2.5 इंच का नाइफ बन जाता है। ये टूल एक बहुत ही अच्छा सेल्फ डिफेंस गैजेट्स है। इसको कैरी करना भी बहुत आसान है। इस पेन को और भी यूसेज के लिए काम में लिया जा सकता है, जैसे कि बॉक्सेस खोलना हो या फिर पेपर कट करना हो। इस पेन का प्राइस सिर्फ 500 रुपए है। वाइकिंग लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। समुद्र में बड़े बड़े क्रूज शिप में दूसरे जहाजों के मुकाबले लोगों की संख्या एक आम बोट के मुकाबले अधिक होती है, तो ऐसे में इन बड़े जहाजों पर लोगों को संकट की घड़ी में सुरक्षित निकालने के लिए इंतजाम भी कहीं ज्यादा रखने पड़ते हैं। जब भी ऐसा होता है तो जहाज में मौजूद सेफ्टी सिस्टम को चालू कर दिया जाता है, जिसके बाद जहाज के साथ पानी में बड़ी बड़ी ट्यूब वाली ट्यूब तैयार हो जाती है। इसके बाद लोगों को एक एक करके इन बोट्स के ऊपर एक खास स्लाइडिंग वाली पाइप के अंदर से भेजा जाता है, जो सीधा उन्हें ट्यूब वाली बोट पर ही पहुंचा देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति एनिमेशन के द्वारा एक बोट पर पहुंच रहे हैं। बोट पर भेजने से पहले सभी लोगों को जैकेट्स पहले ही पहना दी जाती है, ताकि किसी के पानी में गिरने पर वे डूबे नहीं। अगर वे गिर भी जाए तो वे पानी के अंदर फिर डूबेगा नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे ये सभी एनिमेशन के द्वारा सभी व्यक्ति उस बोट पर पहुंच रहे हैं सेफली, और इसके बाद आगे लगी ट्यूब वाली विशाल बोट्स को अलग अलग कर दिया जाता है और उन्हें आगे सुरक्षित स्थान के लिए रवाना कर दिया जाता है, और ठीक इसी प्रकार पीछे बची बोट्स के अंदर लोगों को बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। यह बोट्स अत्यधिक उथल पुथल वाले पानी में भी स्थिर बनी रहती है और पलटती नहीं है और लोगों को सही जगह पर पहुंचा देती है। वाकई बहुत ही अच्छा सेफ्टी सिस्टम है। ट्रिपल स्टिंग रिंग। जब बात सेल्फ डिफेंस की आती है तो कॉम्प्रोमाइज का कोई चांस नहीं लेना चाहिए, इसीलिए ये है एक ट्रिपल स्टिंग रिंग। इस गैजेट्स के साइड में मौजूद रेड बटन प्रेस करते ही इसमें इलेक्ट्रिक शॉक वे जनरेट हो जाती है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को काफी नुकसान पहुंच जाता है। इस गैजेट्स का प्राइस 1500 रुपए है। दोस्तों, आपको कौन सी मशीन्स और गैजेट्स अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।